हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मिठाई की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसको मैंने बिना चीनी के तैयार किया है। तो ये शुगर फ्री मिठाई है जिसको मैंने बहुत सारे नट्स के साथ तैयार किया है और इसको खाने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है और साथ ही साथ ठंड और सर्दी की समस्याएँ दूर रहती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर ये यूनिक मिठाई बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम खजूर ले लिए हैं जिसके कि मैंने बीज निकाल लिए हैं। मार्केट में बिना बीज के भी खजूर मिल जाते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं जिसमें कि बादाम है, काजू है और ये थोड़े से पिस्ते हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट वगैरह है। अब इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच लिया है खसखस, तो इसको अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें थोड़ी सी इनप्योरिटीज़ वगैरह रहती हैं, छोटे छोटे कंकर वगैरह, इसको साफ कर लीजिएगा। तो ये खजूर को मैंने एक मिक्सी जार में डाल दिया है, इसको हमें थोड़ा सा रफली ग्राइंड कर लेना है। तो ये लीजिए, मैंने खजूर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करा है मैंने, एकदम दरदरा सा ग्राइंड करा है। तो बस इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसको मैंने गैस पर रख दिया है और पैन जब गर्म हो जाएगा तो जो मैंने खसखस लिया था इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस इसको थोड़ा सा एक दो सेकेंड ही ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ये जल ना जाए तो इसको ध्यान रखना है। दो तीन सेकेंड के बाद इसको बस रोस्ट करके हटा लेना है एक प्लेट में। अब सेम पैन मैंने यूज़ किया है दोबारा, इसमें हम क्या करेंगे कि आधा छोटा चम्मच डाल देंगे देसी घी। देसी घी जब अच्छे से पिघल जाएगा तब हम डालेंगे इसमें अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो इन ड्राई फ्रूट्स को मैंने बड़ा बड़ा ही काटा है, इस रेसिपी के अंदर बहुत छोटा छोटा ड्राई फ्रूट्स नहीं अच्छा लगता है, तो इसको बड़ा बड़ा ही काटिएगा आप लोग। इसको हमें बहुत थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, बस इतना कि ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस एक दो मिनट तक ही इसको लो फ्लेम पे इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे और वापस इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब वापस इसी पैन में मैंने एक छोटा चम्मच देसी घी लिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अपने ग्रेट किए हुए ये डेट्स जो हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब हम डेट्स को पीसेंगे तो वहाँ पर हमें कोई भी पानी वानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही पीसना है इसको, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, तभी आपकी ये मिठाई अच्छी बनकर तैयार होगी। क्योंकि ये पीसने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, हल्के हल्के से पीस पाता है, तो आप परेशान ना होकर इसको अच्छे से पीसने की कोशिश करें। थोड़ी सी बस प्रॉब्लम्स होगी, उसके बाद ये आराम से पीस जाएंगे। तो जैसे ही ये थोड़ा सा मैश हो जाएंगे, इसके अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। बस ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल ऑफ कर देना है। तो अच्छे से इसको ड्राई फ्रूट्स को खजूर के अंदर मिक्स कर लेंगे और बस इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो जो हम खजूर को गैस पे दो तीन मिनट ही लगते हैं इसको मैश होने में, अच्छे से मैश हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम इसको रखेंगे गैस के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, फिर इसको शेप देना मुश्किल हो जाएगा। तो दो तीन मिनट ही आप इसको फ्लेम पे पकाइए, उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको हाथ से मैंने इस तरीके का शेप दे दिया है, ये हल्का हल्का सा गुनगुना रहने पर ही आप इसको शेप दे दें, वरना ये
टाइट हो जाएगा, फिर आप इसको शेप नहीं दे पाएंगे। और जो हमने खसखस रोस्ट करके रखा था प्लेटफॉर्म पे, इसको फैला देंगे और थोड़ा सा पिस्ता भी इसको डाल देंगे ताकि इसकी गार्निशिंग अच्छे से ऊपर से हो जाए और हमारी रेसिपी देखने में बहुत अच्छी लगे। तो इस तरीके से इसको कोट कर देंगे ऊपर से, और जो मिठाई है हमारी इससे देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये। अब यहाँ पर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, मेरे पास नहीं था तो यहाँ पर मैंने सिल्वर फाइल का यूज़ किया है। सिल्वर फाइल में आप इसको अच्छे से लपेट कर एक घंटे के लिए लगभग फ्रिज में रख दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है आप लोग, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जिसमें बर्फ़ जमाते हैं तो उसमें अगर आप रखिए तो आधे घंटे के लिए ही रखिएगा इसको। और अगर आप फ्रीज में रख रहे हैं तो इसको एक से डेढ़ घंटा भी लग सकता है सेट होने में। तो इसको हम फ्रीज में रख देते हैं, लगभग एक घंटा हो गया इसको फ्रीज में रखे हुए। चलिए इसको निकाल कर देखते हैं। तो लग तो रहा है ऊपर से कि ये एकदम सेट हो गया है, दबाने पर बहुत टाइट सा लग रहा है ये। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, है ना लाजवाब। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आज की रेसिपी के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसको एक शार्प नाइफ से हमें कट करना है ताकि इसके ड्राई फ्रूट्स भी अंदर से बहुत नाइसली कट हों और हमारी मिठाई जो है देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, एकदम मार्केट में मिलती है ना जैसी महंगी महंगी मिठाइयाँ, बिल्कुल उसी तरीके से लग रही है। और घर में आप देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो आज की तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।